स्वयं भाग्यशाली हैं, आप स्वयं किस्मत वाले हैं। कोई कैसे कह दे तुमको कि तुम अभाग्य हो? ना ना, हमारे बराबर भाग्य नहीं है किसी का। तुम्हारी ग्रह खराब है, तुम्हारे ग्रह खराब है। संभेश्वर महादेव का नाम, सात कनेर के पुष्प, कितने सात कनेर मालूम है? ये रोड पर जो जाते हो डिवाइडर में पीला पीला फूल लंबा, जो कि पशु पक्षी कोई नहीं खाता, जहरीला फूल माना जाता है, कनेर के सात फूल। एक बेलपत्र, जिस समय पर कनेर का फूल बेलपत्र के साथ चढ़ाया जाएगा तो सात कनेर के पुष्प सीधी बेलपत्र पर आपको रखना, दो तीन प्रदोष कर देखना। अगर कोई आपसे कहे कि आपका भाग्य ठीक नहीं चल रहा, आपकी किस्मत ठीक नहीं चल रही, आपके ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, आप भाग्यशाली नहीं हो, पहले तुम वहां से उठ जाओ, उसके बाद में देवदी जब महादेव के पास सात कनेर के पुष्प एक बेलपत्र में रखकर नंदीश्वर के पास में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर भगवान शंकर पर सातों फूल के साथ बेलपत्री की डंडी अशोक सुंदरी की साइड हो ऐसा स्मरण करते हुए शिव को समर्पित कर दे। वही बेलपत्री पांच बार नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वही बेलपत्री तीन प्रदोष, चार प्रदोष, पांच प्रदोष, दो प्रदोष, जितने प्रदोष आप चढ़ा रहे हैं प्रदोष काल में, वो बेलपत्री लाकर अपने कक्ष में अपने पूजन वाली स्थान पर रखते जाओ। एक बेलपत्री एक प्रदोष पर लाओगे, अगला प्रदोष आएगा, कितना अंतर पड़ता है आपके भाग्य बदलने में आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी किस्मत कैसे बदल। मेहनत आपको करना है, परिश्रम आपको करना है, लगन आपको लगाना है, और बेलपत्री और कनेर का पुष्प शिव को चढ़ा। चालू करो प्रदोष प्रदोष चढ़ाना, और जब प्रदोष प्रदोष चढ़ाओगे तो अगस्त के महीने की जो प्रदोष आएगी 17 अगस्त को, तब तुम सीहोर जो कावड़ भरने के लिए आओगे सरी, तब एक प्रदोष पे यहां पे भी चढ़ा ले, चढ़ाओ उसमें शंकर का भजन। यहां नहीं चढ़ा सकते अपने घर पर चढ़ाओ, अपने शिवालय में चढ़ाओ, अपने देवालय में चढ़ाओ, अपने नजदीक में जो शंकर मंदिर वहां चढ़ाओ, आराधना शिव की। कोई कह दे तुमसे कि ये ठीक नहीं, प्रथम आप ये जो कनेर के फूल चढ़ाओगे ना, इसमें श्रम्भेश्वर महादेव का भाव होना चाहिए, श्रम्भेश्वर महादेव। फिर से एक बार बोलो, कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर। और फिर एक निवेदन, मान लो कि डॉक्टर कह दे कि बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है, सात पुष्प कोई से भी, सात बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक एक कर बेलपत्र, एक बेलपत्र एक पुष्प अशोक सुंदरी वाली, एक बेलपत्र एक पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए, और एक बेलपत्र उसमें से एक पुष्प लेकर अपने घर जाइए, और 15 दिन के बाद वापिस उस बच्चे की सोनोग्राफी जांच डॉक्टर के कहने से कराइए, बाबा उस बच्चे की धड़कन श्वास और शरीर पूरा देगा। श्रम्भेश्वर महादेव में, श्रम्भेश्वर महादेव का जब नाम लिया जाता है तो 33 कोटि देवी देवताओं का एक साथ नाम उच्चारण हो जाता है, 33 कोटि देवताओं। श्रम्भेश्वर बोल, श्रम्भेश्वर महादेव की, श्रम्भेश्वर भगवान का स्मरण किया है। आगे वर्णन आया है भगवान के सुंदर आनंदमय स्वरूप का, जब भगवान देवदिदे महादेव आनंद में विराजमान थे, देवताओं राक्षसों ने मिलकर मंथन किया, मंथन में विष निकला जो देवदिदे महादेव के पास पहुंचा। शिव जी ने विष को धारण करा, क्योंकि घर का जो बड़ा होता है, घर का जो बुजुर्ग होता है, उसको बहुत सहना पड़ता है, बहुत सहना, घर का जो बुजुर्ग है, घर का जो बड़ा है, उसको सहना पड़े, सहन करना पड़े।
और सहने की आदत होना भी चाहिए। सहने की आदत होना भी चाहिए। सब जैसे तुम्हारे घर में बिजली है, अरे बोलो तो जम के, लाइट लाइट बिजली है, प्रत्येक घर में बिजली होती है तो क्या प्रत्येक घर बिजली घर बन जाता है? जम के बोलो जरा, बिजली घर तो एक दो कहीं कहीं, बड़ा शहर है तो थोड़े ज्यादा हो सकते, छोटा शहर है छोटा गांव है तो बिजली घर एक दो। प्रत्येक घर में बिजली होती है पर सारे घर बिजली घर नहीं कहलाते, बिजली घर नहीं बन जाते। बिजली घर तो कोई कोई सा घर होता है, उसी तरह ढेर सारे तुम्हें कथा करने वाले भी मिलेंगे, ढेर सारे तुम्हें ज्ञान देने वाले भी मिलेंगे, ढेर सारे तुम्हारे पास में, तुम्हें मोबाइल खोलोगे टीवी खोलोगे तो ढेर सारे महाराज मिलेंगे, पर सब देवदित्य महादेव के भक्त नहीं मिल जाते। बड़ा कठिन होता, बहुत कठिन। प्रत्येक घर बिजली घर नहीं होता, उसी तरह घर में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति शंकर का भक्त नहीं होता। उस घर में रहने वाले 10 लोगों में, 15 लोगों में, 20 लोगों में, 25 लोगों में, 5 लोगों में, 10 लोगों में कोई एक दो ऐसे होते हैं, कोई एक आठ दो ऐसे होते हैं जो शंकर की भक्ति में डूबे होते हैं, शिव के स्मरण में डूबे होते हैं। घर वालों को मन लगता है।